अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपका अपने चैनल जिसका नाम है रूल ब्रेकर्स। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में अपनी रिक्वेस्ट जरूर बताते रहें। आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो है इंडिया पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब। आप सबको पता है कि लंदा पंजाब से चढ़ता पंजाब, हम दोनों एक दूसरे से कहते बिछड़े हुए पंजाब, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग एक दूसरे के दिल में बसते हैं। भले वो लंदा पंजाब हो, भले वो चढ़ता पंजाब हो, दोनों एक दूसरे के दिल में बसते हैं। पंजाब के दिल से, पंजाबी के दिल से पंजाबियत ख़त्म नहीं की जा सकती, अपने विरसे ख़त्म नहीं किए जा सकते। तो आज हम ये देखेंगे क्या है, ये कैसी है ये वीडियो, जिसने भी बनाई है ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो देखते हैं फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों, 14 अगस्त 1947, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। साथ ही उस दिन कुछ और भी हुआ था और वो है पंजाब का बंटवारा, जो दो हिस्सों में हुआ था दोस्तों, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब। और आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया के पंजाब का पाकिस्तान के पंजाब के साथ। जब 1947 में आजादी और पार्टीशन के वक्त ये बंटवारा हुआ था और पंजाब के दो हिस्से हुए थे, तो उसमें 56% पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास गया था और 44% हिस्सा मिला था भारत को। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो हिस्सों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आजादी के बाद कितनी तरक्की की है इन दोनों हिस्सों ने, जो आज से करीबन 73 साल पहले एक जैसे ही थे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ किसी भी कंट्री की तरफ से बात नहीं करेंगे हम। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपके सामने हम केवल फैक्ट्स पर ही बात करें, ताकि आपको सही और सच्ची जानकारी मिल सके। आपको सबसे पहले बताते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में। तो 1947 से पहले पूरा पंजाब ही बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब जितना आज पाकिस्तान का पंजाब है करीबन उसका दो गुना। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान एक नया देश बनाया गया धर्म के आधार पर, और उसी तरह बंटवारा हुआ पंजाब का भी। करीबन 56% पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान को मिला और 44% भारत में। लेकिन आने वाले समय में कई कारणों की वजह से भारत के पंजाब को कुछ और हिस्सों में बांटा गया, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और आजकल दिल्ली शामिल है, यानी पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, उनकी इस्लामाबाद कैपिटल, और भारत का हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये सब आजादी से पहले एक अकेला पंजाब हुआ करता था। आज पाकिस्तान में पंजाब उनका सबसे पॉपुलस यानी आबादी वाला प्रोविंस है। जब साल 2017 के मुताबिक 11 करोड़ की आबादी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में रहती थी, वहीं भारत का पंजाब इस डिस्ट्रिक्ट के साथ आज आबादी के लिहाज में भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी 2.8 करोड़ के आसपास है। जीडीपी, क्षेत्रफल और आबादी, अब अगर हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो जीडीपी का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो कि एक क्लियर आइडिया देता है कि किसी जगह के हालात आखिर कैसे हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस उनका सबसे वेल्दीएस्ट प्रोविंस है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस की जीडीपी करीब $162 बिलियन यानी कि 1727 पर कैपिटा है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, इसलिए भारतीय पंजाब का भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आज भी मुश्किल से 3% के आसपास ही हो पाता है। लेकिन फिर भी भारतीय पंजाब की जीडीपी इस वक्त $81 बिलियन है, जो कि $2300 पर कैपिटा बनती है। और ये नंबर आपको ज्यादा तब इम्प्रेस करेगा जब आपको इन दोनों ही पंजाब के एरियाज के बारे में पता चलेगा। पाकिस्तान का पूरा पंजाब प्रोविंस करीबन 205,344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो कि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है। वहीं आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि बलूचिस्तान, जो कि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, वो पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान में चारों प्रोविंस से सबसे छोटा है। जी हाँ, वहाँ सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। वहीं भारत के पंजाब स्टेट का कुल एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पंजाब स्टेट को एरिया के लिहाज से भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। 1947 में क्योंकि पाकिस्तान को रिलीजियस बेसिस पर बनाया गया था, इसलिए वहाँ पंजाब प्रोविंस में भी मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है। धर्म के आधार पर अगर आबादी की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में 97% मुस्लिम्स रहते हैं, 2.31% क्रिश्चियंस और 0.69% बाकी धर्मों और जातियों के लोग। वहीं भारतीय पंजाब में इस वक्त 57.69% सिख, 38.49% हिंदू, 1.94% मुस्लिम्स, 1.25% क्रिश्चियंस, 0.16% जैन्स और 0.14% बुद्धिस्ट, और बाकी बचे हुए कुछ और धर्म और जातियों के लोग रहते हैं।
अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो भारत का पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से बेहतर स्थिति में लाइफ स्टाइल एंड डेवलपमेंट। अब क्योंकि एक ही पंजाब से आखिरकार ये दोनों पंजाब बने, इसलिए खाने पीने और रहन सहन की चीजें कहीं ना कहीं दोनों ही जगहों पर कुछ हद तक एक जैसी हैं। हाँ, इतने सालों में हुए डेवलपमेंट में कुछ चीजें जरूर बदली हैं, लेकिन खाने पीने के मामले में आप आज भी भारत के पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में काफी समानता देख सकते हैं। पंजाब का खाना तो वैसे भी पूरे भारत में फेमस है, लेकिन फर्क बस इतना है कि मीट कंजप्शन पर पर्सन पाकिस्तान में ज्यादा है, और अगर बात करें स्ट्रीट फूड की तो आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भारत के मुकाबले थोड़ा सस्ता जरूर मिलेगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वो हमारे लिए थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि हमारी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा मजबूत है। और ऐसे इंटरनेशनल आउटलेट्स जैसे कि डोमिनोज या पिज्जा हट भी हमारी करेंसी के हिसाब से उनके वहाँ थोड़े सस्ते जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस एरिया में बहुत बड़ा है, उनके यहाँ डेवलपमेंट भी उतनी ज्यादा है। अब पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का सबसे वेल्दीएस्ट प्रोविंस भी है। डेवलपमेंट के मामले में वे लगभग पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, भावलपुर, फैसलाबाद जैसे सारे इंपॉर्टेंट डिविजन्स पंजाब प्रोविंस के अंदर ही आते हैं। और तो और, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भी उसके अंदर गिना जाता है। वहीं भारत का पंजाब मॉडर्न डेवलपमेंट के मामले में आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, अगर उसे भारत के कुछ काफी डेवलप्ड स्टेट से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन अपने जीडीपी के बलबूते पर वो आज भी खुद को भारत की इम्पोर्टेंट स्टेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाता है, और इसीलिए पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मॉडर्न डेवलपमेंट भी थोड़ा ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि वो उनके लगभग सारे इम्पोर्टेंट एरियाज को कवर कर लेता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और आखिर में जो एक चीज जो दोनों तरफ के ही लोगों को बहुत जरूरत है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एयरवेज, रेलवेज यानी ट्रेन तो होती हैं, लेकिन इसी के अंदर लाहौर मेल, लाहौर बस सर्विस भी ऑपरेशनल है। और अभी कुछ समय पहले वह मेट्रो ट्रेन भी शुरू की गई है, जो कि एक ऑरेंज कलर की रेड मेट्रो लाइन है, जिसे सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाया गया था। वहीं अगर बात करें भारतीय पंजाब की तो साइज में छोटा होने के बावजूद एयरवेज और ट्रेन्स वगैरह की सुविधा तो यहाँ भी उपलब्ध है ही। अमृतसर में आपको मेट्रो बस सिस्टम भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कुल 7 लाइंस के साथ 47 स्टेशन बनाए गए। फिलहाल इस वक्त पंजाब में कोई भी मेट्रो ट्रेन का सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद आपको आने वाले समय में पंजाब में हाइपर लूप देखने को मिल सकती है। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ में हाइपर लूप की एक रूट को कुछ समय पहले प्रपोज किया गया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में अमेरिकन कंपनी वर्जिन हाई लूप को दिया जा सकता है। इससे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का पंजाब भारत के पंजाब से आगे है। एयरपोर्ट्स, और अब अगर जाते जाते आखिर में बात करें नेशनल एयरपोर्ट्स की, तो कुल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, जिसमें अगर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो। वहीं भारतीय पंजाब में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंक्लूड करके 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें दूसरा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है, जो कि अमृतसर से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये था कुछ चीजों में भारतीय पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब का कंपैरिजन। वैसे कहने के लिए तो एक पंजाब का कंपैरिजन था, लेकिन अगर साइज और बाकी चीजों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पंजाब ने लगभग आधे पाकिस्तान से टक्कर ली है। दोस्तों, आपको कंपैरिजन कैसा लगा? आप में से कितने लोग पंजाब से वीडियो देख रहे हैं? और जी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को। जनाब, मैं पहले एक गल दस दूं तुहानू, ठीक है, कि पंजाब की जहां तक बात की जाए, भले वो पाकिस्तान का पंजाब हो, भले वो इंडिया का पंजाब हो, हम लोग कंपैरिजन इसलिए नहीं करते कि पंजाब है, पंजाबी हैं। तो मैं अपनी तरफ से बोलूँगा, दूसरों की तरफ से मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ जहाँ तक मैंने सुना है या जहाँ तक मैंने देखा है, मैं अपनी ही बात करूँगा, दूसरों की नहीं करूँगा। तो जनाब, पंजाब हम लोगों के दिल में बसता है, भले वो इंडिया में पंजाब हो, भले वो यहाँ पर हो। हम लोग यहाँ बाहर रहते हैं, मैं ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में नहीं रहता, बाहर रहता हूँ। तो कहना चाहूँगा, हम लोग अपने कंट्रीज को जितना मिस करते हैं ना, उतना ही हम लोग अपने कल्चर को, अपने विरसे को, हर चीज़ को मिस करते हैं। यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो इंडियन हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त है जो इंडिया पंजाब से हैं, ठीक है, आंध्रा से हैं, उसके अलावा इधर से क्या नाम है इनका, कोलकाता से भी हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो वेस्ट बंगाल और इधर उधर से हैं। तो हम लोगों ने कभी कंपैरिजन नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, परदेसी हैं, काम करते हैं, तो एक दूसरे से हम लोग ऐसे कभी भी नहीं करते। और मैं जब पाकिस्तान गया था तो वहाँ पर भी कभी मैंने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि हमारे एरिया में सिख बहुत ज़्यादा हैं। पता नहीं इन्होंने कैसे ये कैलकुलेशन की, हो सकता है गूगल से सर्च किया हो या कुछ भी। मैं खुद करतारपुर वाली साइड से हूँ, ठीक है,
करतारपुर हमारे घर से कोई 15-20 मिनट की दूरी पर है। अगर हम लोग बाइक पे मतलब मोटरसाइकिल पे जाएँ तो 15-20 मिनट लगती हैं। ठीक है, स्ट्रेट रोड है, घर से बॉर्डर हमसे कोई 1-1.5 घंटा दूर है शायद, मैक्सिमम इससे कम ही होगा, लेकिन मैंने एक आइडिया लगाया। तो मैंने तो काफ़ी ज़्यादा सिख सरदार लोग हमारे एरिया में देखे हैं, जिनसे हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से रहते हैं। ख़ास तौर पे करतारपुर पे चले जाएँ तो एक बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। और मुझे ये जानकर बहुत एक कहते हैं ना, बंदे को थोड़ा सा दुख भी होता है ये जानकर कि पंजाब को एक अलग किया गया है, मालूम नहीं क्या किया इन्होंने, कश्मीर को भी किया, पंजाब को भी किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जो भी करके गए वो एक सियास कहते हैं ना, एक मतलब के तौर पर करके गए, हर चीज़ को सेट कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग शायद ये मेरी बात से एग्री करें या ना करें, पंजाबियों को या कश्मीरियों को एक दूसरे से अलग करके इन्होंने गलत किया था, इनको एक ही रखना चाहिए था। अभी कुछ नहीं कर सकते, अलग हो चुका है तो क्या कर सकते हैं। हम तो अल्लाह खुश हैं, हम लोग भी, वो भी खुश हैं हमसे, हमारी तरफ से काफ़ी। अगर जाएं करतारपुर वाली साइड पे तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा सरदार लोग मिलते हैं, काफ़ी लोग मिलते हैं जिनसे हम लोग हेलो हाई करते हैं, मज़ा आता है मिलकर उनके। बाकी वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया ये जानकर के काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें बुरी भी हुई। जैसे इंडियन पंजाब को 4 हिस्सों में बताया गया है, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में बताया था उसने, जो चेंज कर दिया गया, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं लगी मुझे। शायद आप पता नहीं क्या सोचेंगे आप लोग, लेकिन मुझे नहीं लगा अच्छा वो कुछ। तो बाकी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर कोई रिक्वेस्ट है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और हाँ, पंजाबी मूवीज़ और हर मूवीज़ पे रिएक्शन के ट्रेलर होना शुरू हो गए हैं, बाकी इंशाल्लाह मैं इसके बाद कुछ वीडियोस और अपलोड करूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। अपने भाई को दुआ में हमेशा याद रखें, अल्लाह हाफिज़, लव यू, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलो ना, जो पंजाब चो देख रहे हो, जो पंजाबी देख रहे हैं, मैंने कितने भी दुनिया से बैठा था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपनी जिनी सपोर्ट हो सके, अपनी वधिया जी सपोर्ट अपने भरा नूं जरूर करे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो से, दुआओं से जरूर याद रखना सारे। अल्लाह हाफिज़, लव यू, टेक केयर।